रविवार यानी 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मैसूरू में होने वाले एक भव्य समारोह में बाघों के मौजूदा संख्या की घोषणा करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री एक सिक्का भी जारी करेंगे। बाघ संरक्षण को लेकर सरकार की आगे क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद ने बात की पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से। सर, वेलकम ऑन NDTV। थैंक यू। I want to begin by asking you, sir. Project Tiger has done really well. How difficult, कितना जटिल, कितना कठिन है numbers पता रखना? जटिल बहुत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो फॉरेस्ट के हमारे ऑफिसर हैं, जो फील्ड ऑफिसर हैं, वो दिन रात इस विषयों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमारे 53 टाइगर रिजर्व्स की कैरिंग कैपेसिटी कितना है वो भी हम लोग अब ध्यान में कर रहे हैं, ताकि जैसे हमारा पन्ना का, बांधवगढ़ का, कान्हा का, रणथंबोर का, कॉर्बेट का, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये अपनी पूरी कैरिंग कैपेसिटी में आ गए हैं। ओके। तो पिछले दिनों हमने मुकुंदगढ़ में, हाँ, माधव नेशनल पार्क में, हाँ, उनको टाइगर्स को दूसरे क्षेत्र में हम लोगों ने वहाँ पर भेजा। उसका एक कारण है कि हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उन सब में जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी पूरी हो, और सबसे बड़ी बात जो वाइल्ड कैट का है कि उनका जो अपना हैबिटेट एरिया है, उनका जो अपना तरीका है, क्योंकि टाइगर अपनी पूरी एक टेरिटरी को बनाता है, तो उनका जो विषय है उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उसको नेचुरल वे में जितना वो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। सर, प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ कोर्स हैज बीन अ रोरिंग सक्सेस इन आवर कंट्री। आप हाल फिलहाल में चीता भी लेकर आए एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। अगली बड़ी कहानी कहाँ लिखी जा रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन रहता है जी, वो पूरे तरीके से नेचर प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाने का विजन है जी। और मैं तो मानता हूँ कि चीता इस सदी की बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में कारणों से, पोचिंग के कारण जो प्रजाति विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, जो इकोलॉजिकल रॉन्ग हमसे हुए, तो उनको वापस से स्थापित कर इकोलॉजिकल हार्मनी की बात की है। एक बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने दिया है, और इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे मनाए जा रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जाएंगे, बीता हुआ कल स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी आसाम के काजीरंगा में गई थी। हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 ईयर पूरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, हम लोग प्रोजेक्ट लॉयन पे काम कर रहे हैं, और जो हमारा गिर का जो क्षेत्र है उधर जो एशियाटिक लॉयन 100% वहाँ पर है। उसके साथ ही साथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिसका हमारा एस्टिमेशन का काम लगभग पूरा हो गया है, वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। क्योंकि हमारा जितना भी रिवर क्षेत्र है उसमें मीठे पानी में भी हमारी डॉल्फिन्स हैं, गंगा से लेकर के पूरा क्षेत्र है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा की सहायक नदियाँ चंबल वगैरह हैं, और इधर जो हमारा समुद्री क्षेत्र है जामनगर के पास, वहाँ भी डॉल्फिन्स हैं। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के एस्टीमेशन, उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता तो आपने कहा ही है, इसके अलावा भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर के हमारे यहाँ काम चल रहे हैं। लेकिन बड़े अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इन पे बहुत अच्छा काम मंत्रालय की तरफ से चल रहा है। ओके। एंड फाइनली सर, प्रधानमंत्री जा रहे हैं बांदीपुर, और मुझे पता है मुझे नंबर्स नहीं बताएंगे टाइगर सेंसस की, मैं पूछ भी नहीं रही हूँ, मगर कैसे लग रहे हैं नंबर्स, वो पहला सवाल है मेरा। दूसरा कि प्रधानमंत्री जब कल है वहाँ, हमें ये बताया गया कि सफारी पे जाएंगे, देन ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जहाँ एलिफेंट विस्परर्स जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री है वो शूट हुई है, तो क्या प्लान है करके? प्रधानमंत्री जी का हमेशा विजन, जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है जो ज़मीन पे काम करता है, हमारे स्थानीय समुदाय हैं जो नेचर के साथ रहते हैं, हमारे स्थानीय युवा हैं जो इको टूरिज्म के प्रोटेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमारे स्थानीय महिलाओं के NGO हैं जो स्वरोजगार के लिए काम करते हैं। इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक विशेष रूप से स्थान दिया है। तो इन सब विषयों पे उनका एक विज़न रहता है, और मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि
माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर आप हर मन की बात को सुनेंगे, 100वां एपिसोड होने वाला, तो कोई मन की बात ऐसी नहीं जाती जिसमें नेचर, स्थानीय रोजगार, स्वच्छता, सर्कुलर इकोनॉमी में और उसमें लोकल लोगों ने किस प्रकार से इनोवेटिव तरीके से काम किया। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वो उन्होंने स्वयं ने आने की स्वीकृति प्रदान करी है और उनके आने से इस प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी गति मिलेगी। और ये एक ऐसा लैंडस्केप है जिसमें 3 राज्यों के टाइगर रिजर्व एक साथ जुड़ते हैं, बांदीपुर, मधुमलाई और वायनाड, और ये सबसे बड़े लैंडस्केप्स में से एक है। तो जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सारे 53 टाइगर रिजर्व्स के जितने भी हमारे अधिकारी, मैं लगातार जा रहा हूँ, मैं काजीरंगा से भी कल लौटा हूँ, तो सब में बड़ा उत्साह है और एक नेचर और डेवलपमेंट दोनों साथ हो सकती हैं, ये सबसे बड़ा मैसेज है। राइट, ऑल राइट सर, मिस्टर यादव, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।